अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी अपने कुनबे को ही नहीं समेट पा रही है। मेरठ नगर निगम चुनाव में शहर विधायक रफीक अंसारी, पूर्व मंत्री व विधायक शाहिन मंजूर, हारे प्रत्याशी आदिल चौधरी और पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल यादव मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान के प्रचार प्रसार से बराबर दूरी बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा की मौजूदगी में हुई प्रेस वार्ता में यह मुद्दा जोर शोर से उठा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा खुद इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नजर आए। वहीं मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान ने मीडिया से कहा कि आप लोग कम घूम रहे हैं, पार्टी के सभी लोग घूम रहे हैं। रही बात मुकदमा दर्ज होने की, तो यहाँ तानाशाही चल रही है, खूब रोड शो हो रहे हैं, लेकिन यदि हम कर रहे हैं तो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जनता समर्थन कर रही है, सपा को पसंद कर रही है, इसी कारण से हम पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ मेयर प्रत्याशी के रूप में सीमा प्रधान को चुनाव मैदान में उतारा है। सीमा प्रधान सरधना विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अतुल प्रधान की धर्मपत्नी है। पहले सुनिए क्या कहा मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान ने। हमारे साथ है और जिस तरीके से पब्लिक का रुझान है, आप लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, हमारे पार्टी का एक एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है। गठबंधन का प्रत्याशी मुझे बनाया गया है और मैं गठबंधन को देख रही हूँ, कितनी लोग मेहनत कर रहे हैं, कितनी मजबूती से मुझे चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हो कि मेरठ में चारों तरफ जनता हमें ये चाह रही है कि आने वाली 11 तारीख में हमें जनता चुनाव जिता रही है। और लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है, जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहती है उसे जिता देती है। मेरी बात सुनिए सीमा जी, हाँ जी। जनता के बीच में ही ये सवाल उठ के आया है कि आपने रोड शो किया, रफीक अंसारी के विधानसभा में किया, रफीक अंसारी को इसकी खबर तक दी थी, और जो विधायक है, दो बार विधायक रह चुके, ऐसे दो विधायक और भी हैं जो आपके साथ अभी तक प्रचार प्रसार में नहीं आए। आपसे ये सवाल है, ये लोग आपके साथ प्रचार प्रसार करते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि ये जीते हुए विधायक है, जनता इनको पसंद करती है, अगर पसंद नहीं करती ये जीतते नहीं, तो आपके साथ अब तक क्यों नहीं आए? देखो असलियत में क्या है, सब लोगों को सूचना है, सब लोगों को हर चीज का पता है और सब लोग हमारे साथ प्रचार कर रहे हैं, सब लोग मजबूती से घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है आप लोग कम घूम रहे हो, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहे। अगर हमारी तरह दिन रात एक कर दोगे तो आपको चारों तरफ आप कल को हमें देख लेना, कल देख दिखा देंगे शाम तक देख लेना कहीं। नहीं 12 तारीख को आपका टिकट की घोषणा हुई थी, 12 अप्रैल को, आप लगभग एक महीना को, लगभग एक महीना हो गया, आप क्यों नहीं आए? भैया इस टाइम आप देखो किस तरीके की तानाशाही चल रही है, किस तरीके से हम पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये हम रोड शो कर रहे हैं, रोड शो में हम पे कल भी एक मुकदमा लिखा गया, तो बताओ ये कभी ये तानाशाही दिखा रहे हैं अपने आप, चाहे जो कुछ भी करें, ये अपने आप चाहे कुछ भी करें, चाहे ये रोड शो करें, ये चाहे कुछ भी करें, उन पर कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ हम पे मुकदमा है, क्योंकि हमारी गलती ऐसी है, क्योंकि जनता हमें चुन रही है, जनता हमारे साथ है, जनता हमारा सपोर्ट कर रही है, हमारी गलती हमें जनता को डराने का काम कर रहे हैं। और विपक्ष में आपको क्या लगता है कौन करवा रहा है ऐसा, मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? सत्ताधारी लोग शासन और प्रशासन का उपयोग कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा के सामने खुलकर आई गुटबाजी का असर यह हुआ कि प्रेस वार्ता के तुरंत बाद ही जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह व बाकी पार्टी नेता सपा के शहर विधायक रफीक अंसारी के घर भी पहुंच गए। फर्स्ट बाइट टीवी से वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह ने कहा कि ऐसा कहना गलत है कि रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर आदि पार्टी प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सभी लोग प्रचार में लगे हैं और अभी आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा शहर विधायक रफीक अंसारी के घर पर बैठ कर के ही बनाई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए fastbyte.tv और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।